क्या आप ड्राई हेयर और ऑयलिंग से जुड़ी मिथ्स पर भरोसा करने से डरते हैं? तो एक्सपर्ट से जानिए सच्चाई। हाय, मैं हूं डॉक्टर जसप्रीत कौर, एक डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट यानी त्वचा और बालों की विशेषज्ञ, और आज मैं बालों से जुड़ी जो मिथ्स हैं उनको बस्ट करने वाली हूं। बालों से जुड़ी सबसे पहली मिथ है कि यदि आप बालों पर रात भर तेल लगा के रखते हैं तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बालों पे आधा घंटा या एक घंटा भी तेल लगा रहे हैं और उसे अच्छे से वॉश कर रहे हैं तब भी आपको सेम रिजल्ट्स आएंगे जो रात भर बालों पे तेल रखने से आते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, तेल लगाना ज़रूरी होता है और ये वैज्ञानिक रूप से प्रूवन है, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इससे आपके फॉलिकल्स को नरिशमेंट मिलता है और नए बाल आते हैं। पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मसाज। तो जब आप तेल लगाते हैं तो स्कैल्प में मसाज मिलती है जिसके कारण आपको रिजल्ट्स आते हैं। दूसरी एक बहुत कॉमन मिथ है कि अगर आप ढेर सारा तेल लगाएंगे तभी आपके बाल अच्छे होंगे, कम तेल लगाने से रिजल्ट्स नहीं आते। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह इस बात पे निर्भर करता है कि आपके बालों की लेंथ कितनी है, उनकी टाइप कैसी है, कि ड्राई हेयर है, ऑयली हेयर है, और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि मौसम किस टाइप का है। अगर गर्मियाँ हैं और आपके बालों की लेंथ छोटी है तो ज़्यादा तेल लगाने से आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान भी हो सकता है। और अगर सर्दियाँ हैं और आपके बालों की लेंथ काफ़ी है तो आपको ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा था, तेल लगाने से ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मसाज, जो आपको अच्छे रिजल्ट देती है। तीसरी मिथ है कि सिर्फ रूखे सूखे स्कैल्प वालों को ही बालों में तेल लगाना चाहिए। तो ये भी एक तरह से गलत है, क्योंकि एक तेल जो होता है उसमें काफ़ी एंटीफंगल गुण होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, जो आपके स्कैल्प की स्किन को नरिश भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तेल लगाएं, और अगर ऑयली स्कैल्प भी है तो भी तेल लगा के उसे अच्छे से क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लीन अच्छे से नहीं कर रहे हैं तब आपको दिक्कत या परेशानी हो सकती है। बट यदि आप एक अच्छा शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इवन ऑयली स्कैल्प वाले भी तेल आराम से लगा सकते हैं। चौथी मिथ है कि बालों में तेल लगाने से पोर्स क्लॉग होते हैं और पिंपल्स आते हैं। तो ये भी एक तरह से गलत है। अगर आप एक अच्छा तेल यूज़ कर रहे हैं जो कि नॉन कॉमेडोजेनिक है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो वैज्ञानिक रूप से नॉन कॉमेडोजेनिक है, यानी पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, तो उसका इस्तेमाल करें। या फिर कोई भी ऑयल जो आप यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो नॉन कॉमेडोजेनिक है, जो आपके स्कैल्प को नरिश कर रहा है और साथ में उसे हार्म नहीं पहुँचा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपके सारे मिथ्स क्लियर हुए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो है कि अगर आप ऑयल लगा रहे हैं तो ना ही सिर्फ स्कैल्प बल्कि एंटायर लेंथ पे लगाएं, ताकि आपके बाल नरिश्ड, हाइड्रेटेड और शाइन भी करें। तो और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तेल लगा के उसे अच्छी तरह से एक अच्छे शैम्पू से क्लीन करें और कंडीशन करें। तो आपको ना ही सिर्फ हेल्दी हेयर मिलेंगे, उसके साथ साथ आपका स्कैल्प भी हेल्दी रहेगा। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह और वीडियोज़ को जानने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ प्रश्न या क्वेरीज हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की।